सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक दिन तुम निश्चित ही भगवत प्राप्ति करोगे। गुरुदेव हमें वो मार्ग दर्शाते हैं। देखिए, हम जीव, हम प्राणी संसार में भटक रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या पाप है, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इस अज्ञानता भरी जीवन में जब गुरुदेव का आगमन होता है, तब जाकर के हम ज्ञानी बन सकते हैं। उसके बाद जो गुरुदेव मंत्र देते हैं, उसका जाप करने से हमारा मन पवित्र होता है। और वो मंत्र एक दिन जप करते 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 एक दिन, जिस दिन दिल से सच्चा महामंत्र निकलेगा, दिल से सच्चा भगवत नाम निकलेगा, उस दिन भगवान हमारे सामने आएंगे, भगवान हमें मिलेंगे। इसलिए भगवान का नाम ही महामंत्र है। आपने जीवन में कभी गुरु बनाया? हाँ, बोलिए ना। नहीं, जीवन में एक बार मंत्र लेना, गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। संसार में भटके हुए जीव को हाथ पकड़ करके गुरु भगवान तक पहुंचा देते हैं। गुरु का मतलब वही है, अंधकार से उजाले की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जो भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन कराए उसे गुरु कहते हैं। जो वास्तव में भगवत प्राप्ति कराए उसी को गुरु कहना चाहिए और उसी को गुरु मानना चाहिए। आज नारद जी महाराज को ध्रुव जी ने गुरु बनाया। अब नारद जी आदेश करते हैं,